ભારતની આઝાદીના 75મા વર્ષની ઉજવણી નિમિત્તે દેશમાં ચાલી રહેલા આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત નવસારીના ઐતિહાસિક દાંડી સ્મારક ખાતેથી બીએસએફના જવાનો દ્વારા દાંડીથી દિલ્હીના રાજઘાટ સુધી સાયકલ યાત્રાનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો। બીએસએફના જવાનોની આ સાયકલ યાત્રાને આઈજી આઈપીએસ જીએસ મલિકે લીલી ઝંડી બતાવી સાયકલ યાત્રાનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો। આ કાર્યક્રમમાં બીએસએફના આઈજી જીએસ મલિક ઉપરાંત નવસારી યુનિવર્સિટીના કુલપતિ ઝેડ એન પટેલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ સાયકલ યાત્રા દરમિયાન જવાનો એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત અને ફિટ ઇન્ડિયા તથા બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ સહિતના સંદેશાનો પ્રચાર પ્રસાર કરશે। भारत की आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है, जिसे पूरे भारतवर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसमें बीएसएफ भी काफ़ी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रही है। और ये एक बीएसएफ की साइकिल रैली आज यहाँ दांडी से निकल के 2 अक्टूबर को राजघाट पे पहुँचेगी, जो लगभग 1300 किलोमीटर का रास्ता सफ़र तय करेगी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरे देश में जो संदेश बीएसएफ देती है कि पूरा एक भारत श्रेष्ठ भारत फिट इंडिया मूवमेंट जो चल रहा है, उसके भी सिलसिले में क्लीन विलेज ग्रीन विलेज ये सब संदेश देते हुए वो राजघाट पे पहुंचेगी। मैं यही बताना चाहूँगा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, ये भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये अपनी ड्यूटी कर रही है। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? मोहित, असिस्टेंट कमांडेंट सीमा सुरक्षा बल। आज हम सीमा सुरक्षा बल ने 1308 किलोमीटर की ये साइकिल रैली डांडी से राजघाट की ओर ऑर्गेनाइज कराई है। और मैं देशवासियों को बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि सीमा सुरक्षा बल आखिरी दम तक मुस्तैदी से भारत की सीमाओं की रक्षा करेगी। जय हिंद। कितने किलोमीटर की यात्रा है, कितने दिन की यात्रा रहेगी ये यात्रा? 1308 किलोमीटर की, जो 2 अक्टूबर को राजघाट में सम्पन्न होगी। धन्यवाद।